आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। लॉकडाउन की इस आपात स्थिति में लोग अपने घर के आसपास के ही दुकानों से सामान लेने को मजबूर हैं। ऐसे में कुछ दुकानदार इसका फायदा उठाकर गलत तरीके से एक्सपायर हो चुके सामानों को बेच रहे हैं। ऐसा ही मामला आसनसोल रेल पार स्थित वार्ड नंबर 28 के स्टेशन रोड इलाके का सामने आया है। यहां एक दुकानदार पर एक्सपायर हो चुके सामानों को बेचने का आरोप लगा है। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां पहुंचे और जमकर हंगामा मचाया। घटना की सूचना मिलने पर आसनसोल उत्तर थाना पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच कर रहे हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में काफी तनाव का माहौल देखने को मिला। है उसका 6 साल का है, उसका ना एक्सपायरी बिस्कुट भेजा, ठीक है, वो खाया, उसको घूमने हुआ, वो अपने मम्मी को दिखाया कि ना अगर ये तो बिस्कुट ठीक नहीं जा रहा, तो उसकी मम्मी पैकेट को चेक करी, उसको एक्सपायरी मांगता है, 1 साल एक्सपायरी मांगता है। जो अभी हम सब कुछ दिखा चुके हैं, एफआईआर भी करा चुके हैं, सब कुछ, लेकिन पुलिस अपना मन वो तो हम लोग देख रहे हैं। कितने दिन हुआ ये सब? ये 18 तारीख को हुआ था। 18 तारीख से आज जोड़ लीजिए कितना तारीख हुई। क्या क्या बिक्री होता है सब यहाँ पे? ऑल रेडी सब कुछ, दवाई मेडिसिन उडिसिन सब रखता था। दवाई मेडिसिन मैंने डेक्लोविन प्लस प्लस हर बोल हर दवाई मैंने दर्द उरद का काम है, किसी को भी आता था नहीं आता था। अच्छा अच्छा, मैंने और वैरायटी यहाँ पर अभी देखिए इतना सारा निकला, इससे पहले भी बहुत सारा सामान ले लिया है। बैंडेड सोल्यूशन टोटल एवरीथिंग सब मिलता है यहाँ पर। अच्छा, तो डॉक्टर का सामान जो रख रहा है कोई परमिशन है? कोई परमिशन नहीं यहाँ पर, मैंने कोई आया जैसे बहुत सा तो यहाँ पर लोकल गरीब है, दर्द का दवाई देती सिर में दर्द है तो ये में दर्द है, वाला टैबलेट आता है वही निकाल के। तो आज कैसे पता चला जाए यहाँ पर एक्सपायर का? एक बच्चे को बिस्कुट दिया, उसको एक बिस्कुट लिया 5 रुपया वाला, तो उसी में उसका एक भाई चिलटा चिलो, उसका अम्मी जब चलाया तो उल्टी उल्टी हुआ तो देखा तो 11 महीने का शायद एक्सपायरी था बिस्कुट, उसी दिन से 18 तारीख।